वो घोड़ा गिर गया, वो लुक गिर गई, वो गिर गई, वो गिर गई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो गिर गई, वो कुछ लोग गिर गए यहाँ पे। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, न्यू ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये हम सब लोग अभी एग्जैक्टली जो टाइम हुआ वो 4 बजे हैं, पूरे 4:10 हुआ है। तो हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। पहले 3 बजे उठे थे तो प्लान बनाया था जाने के लिए, और फिर दोबारा से सो गए, फिर तब तक 4 बजे। और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर चेक पॉइंट है, वहाँ पर चेक किया जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं रास्ते में, इधर से भाई कुछ लोग आगे गए हैं ना, उनका कवर करो ना जल्दी जल्दी से। अरे यार अभी तो चढ़ाई भी स्टार्ट नहीं, अभी तो कवर कर सकते हैं ना। अरे यार चल तो रहे, और क्या गला यार है। जय बाबा बर्फाने। ओ बादशाह इतने खतरनाक रास्ते। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप जैसे जम्मू या श्रीनगर या फिर आप कटरा अगर जाना चाहते हैं तो 5 बजे से पहले ही बस चली जाती है। बालटाल से 5 बजे के बाद कोई बस छोड़ी नहीं जाती है यहाँ से। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं लंगर लगे हुए हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जगह जगह पर बहुत सुंदर आपको नज़ारे आगे भी देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक और आनंद लें। जय बाबा बर्फानी। बैक चेक हो गया, अगर आप मशीन से भी करवाना सर चाहते तो मशीन से भी हो जाएगा। अगर आप जैसे लेट हो रहे हैं तो वहाँ पर इंडियन आर्मी हमारी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है, तो वो आपका बैग चेक करके आपको जल्दी आगे भेज देगी। बेस्ट यू हैप्पी अमरनाथ यात्रा। जय बाबा बर्फ। बता दूं कि यहाँ पर भी जो है चेक पॉइंट हुआ था, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन आपको चेक किया जा रहा है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको यहाँ से वापस कर दिया जाएगा। और भी एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पर एक बाबा हैं तो उनकी मतलब 74 है, वो सामने खड़े हैं, ये 74 है इनकी एज, तो इन्हें मना कर दिया गया, ये नहीं जा सकते अमरनाथ यात्रा पर। तो पुलिस वाले इनसे कह रहे हैं कि आप जा सकते हो, आप यात्रा पे नहीं जा सकते। देखो क्या होता है फिर बाबा के नसीब में, इनके दर्शन होते हैं या नहीं। तो फ्रेंड अपन लोग चलते हैं यहाँ से आगे। जय बाबा बर्फाने। अभी हम यहीं से पीछे से आए थे और उसके बाद हम यहाँ से इधर जाएंगे। आप देख सकते हो ये बस पीछे किनारा है, जय भोलेगी। तो अभी दिन हो रहा है और अभी एग्जैक्ट जो टाइम हुआ है तो 5:15 हुआ है, मतलब हमें 1 घंटा हो गया है चेक पॉइंट से निकले हुए। 1 घंटे में हम काफ़ी दूर निकल आए हैं। जय भोले की। फिर आपको मिलते हैं सीधा वहीं पे। जय भोले की। जय भोले की। हाँ देखो, हाँ परी सामने का कुछ व्यू, और हम इधर से आए हुए थे। ओ जय बोलेगी। ओ और यहाँ पर मुरादाबाद भंडारा स्थान रेल पत्री आपका हार्दिक स्वागत करता है, यहाँ पर भंडारा भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बाबा बर्फानी। ओह और ये झरना, और ये आ गया दृश्य बहुत ही सुंदर। वाओ ब्यूटीफुल। तो इतना हम ट्रैक करके आ चुके, भरी बरसात में पी लेने दो। जय बोले, जय बोलेगी। पीछे आद रहा है। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। ये हमारे पीछे देख सकते हैं ग्लेशियर। जय बोले। अरे पीछे का व्यू, जय बाबा की। तो अभी दिन हो चुका है, जय बोलेगी। बाबा की चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत टफ थी, पर बाबा का नाम लेते हुए जय बाबा बर्फानी, जय बाबा अमरनाथ, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। और सामने शानदार व्यू देखकर तो और दिल को सुकून मिलता था। तो और रास्ते में जितने भी
भक्तगढ़ के सभी जय बाबा बर्फानी जय बाबा अमरनाथ कहते हुए आगे चल रहे थे। अब बाबा देखिए कितने बुजुर्ग और कंटिन्यू बाबा चढ़ाई कर रहे हैं और दादी भी जय बोलेगी नॉन स्टॉप के साथ। दादी बाबा चढ़ाई कर रहे हैं जय बोलेगी। यहाँ पर चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी कि घोड़ों को चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं 2 मिनट के लिए रुका तो मैंने अचानक देखा कि एक महिला एक घोड़े से गिर जाती है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो पैदल यात्री थे उन्होंने उस महिला को पकड़ लिया और बचा लिया और घोड़े को भी काफ़ी लोगों ने मदद करी। तो आप जब भी ट्रैवल करें तो घोड़े पर विशेषकर ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पकड़ कर रखें जिससे आप गिरें नहीं। रास्ता ये गीला हो रखा है। जय भोले भंडारी जय भोले। जब भी हम थक जाते थे और रुक कर जब हम पीछे की तरफ देखते थे और सामने का जो व्यू मिलता था एकदम व्यू को देखकर थकावट दूर हो जाती थी और भोले के नाम लेते लेते आगे भक्तगढ़ बढ़ते जा रहे थे। इतना खतरनाक ट्रैक है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत खतरनाक ट्रैक है, जय भोले। यार लोग कह रहे हैं कि और 9 किलोमीटर बाकी है अभी, 9 किलोमीटर और हमारी इतना बाकी है, चलते हैं फ्रेंड। रास्ता बहुत तो टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। जय बाबा बर्फानी। लैंड स्लाइड वाली जगहों पर बहुत डर लगता था अचानक कोई पत्थर ना आ जाए, इस वजह से चलते रहते थे। चलो रे पूरे ट्रैक में ऐसी ही चढ़ाई मिलती रही और उसके बाद जो भी मतलब भूखलन होता था इस वजह से लोग यात्री रुकते नहीं थे, चलते रहते थे कंटिन्यू। रास्ता इतना खतरनाक था, बहुत ज़बरदस्त। तो यात्रा हमारी जो कंटिन्यू ही बालटाल से लेकर और बर्फानी तक रही। पूरे 2.5 घंटे बाद एक छोटा सा स्टॉप लिया, 5 मिनट का हॉल्ट। जय बाबा बर्फानी जय बाबा बर्फानी। और ठंडी ठंडी हवाएं फ्रेंड, अगर आप जब भी यात्रा अपनी करें तो कम से कम लैगेज लेके आए, बहुत कम। और अभी हम आप देख सकते हैं गर्म पानी पी रहे हैं और ये बोतल इसकी है कुलदीप की, तो गर्म पानी लेके आई थी, इसमें गर्म पानी हालत टाइट है, दवाई ले खाएंगे जाके। जय बोलेगी। और यहाँ पर लाइट की सुविधा की जा रही है रास्ते में। जय जय बोलेगी। यहाँ से घोड़े आपके साथ आएंगे और यहाँ से आप घोड़े अलग हो जाएंगे यहाँ से इस रास्ते से, और पैदल वाला यह रास्ता है। 3 घंटा 15 मिनट चलने के बाद ये तीसरा ऑल्ट है, चढ़ाई है। कुलदीप बता कैसी है चढ़ाई? खड़ी चढ़ाई है एकदम, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। बस जय इसकी हालत टाइट हो गई, नाम लेते लेते ये इतना बोलता था उसकी बोलती बंद हो गई थी। हम रास्ते में इसकी बोलती, हम भी फर्स्ट टाइम। हाँ अंकल, यहाँ से चढ़ाई कम है क्या? प्लेन 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर हाँ, और नीचे से घोड़े वालों को 800 किलोमीटर। टोटल ट्रैक कितना हो रहा है यार? यहाँ से टोटल हमारा जो डिस्टेंस अब रह गया वो केवल 6 किलोमीटर का रह गया है। वैसे वैसे हमारी थकावट दूर हो जाएगी और ये गहरी खाई देखी आप जस्ट नाउ, जय बाबा की हो जाएगी एक बार। वाह क्या सीन है।
जय बाबा जी, जय बाबा बर्फानी। जय भोले जी। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। वाह वाह दिया, क्या सुंदर नजारा है। देखो कितना सुंदर नजारा है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ देखो नीचे बिल्कुल उससे जा रहे हैं नहर के चढ़ में से। हाँ कितना अद्भुत नजारा है। ओम नमः शिवाय। अच्छे अच्छे मिलते होंगे है ना। हाँ तो आप कहाँ से हैं भैया? हेलो, कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या नगरी से हूँ। तो काफी तो यात्रा से कैसी रही? प्रभु महादेव के आराध्य श्री राम की नगरी से हूँ। हाँ और प्रभु के दर्शन करके आ रहे हो। बहुत देव दर्शन प्राप्त हुए हैं बाबा के। प्राप्त हुए ना सर? बहुत शांतिपूर्ण। चलो ठीक है, बाबा ने पूरा माहौल ही बदल दिया। अच्छा मौसम तो एक नंबर का हुआ, आप देख सकते हैं एक नंबर का मौसम। इससे अच्छा मौसम नहीं, अभी तक नहीं हुआ। इतनी यात्रा हो गई, इतने दिन इतना अच्छा मौसम अभी तक नहीं हुआ। ऐसा होता नहीं कि ना मिले। हाँ लेकिन अब की बाबा ने बर्फ गायब कर दी है बिल्कुल एकदम। मौसम आप नजारा बहुत अच्छा है। जय बोले आप सभी शिवभक्तों से कि आप कहीं भी जाइए लेकिन एक बार बाबा अमरनाथ के दर्शन जरूर कीजिए। और वो आपकी पूरी कम से कम खर्चे में आपको हम वीडियो बना के दे देंगे अगर आप आना चाहते हैं तो। बहुत कम खर्चा, केवल आपको यहाँ ठहरने खर्चा चाहिए बस और कुछ खाने पीने को आप सोच सकते हैं। सब खाने सब मिलेगा। 56 प्रकार का भोजन यहाँ मिलेगा भैया से। साफ कम है यहाँ, ऐसे ऐसे श्रद्धालु है कि व्यंजनों की कतार में गिनती नहीं। क्या आप सोचे नहीं, आप गिनती नहीं कर पाएंगे इतने ज्यादा, खा नहीं पाओगे। फ्रेंड हमें पवित्र गुफा के दर्शन हो चुके हैं तो दिल में सारी थकान ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल हम बिल्कुल यह नहीं लग रहा, हम ट्रैक करके आए हैं। जय बोलेगी। तो फ्रेंड अभी हम नीचे जा रहे हैं और यह है देखिए आप, ये जो पहलगाम वाला रूट है वो ये रहा देखो पहलगाम वाला रूट। तो जय बाबा बर्फानी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपको हम पवित्र गुफा के दर्शन भी करवाएंगे। इतना भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं और वो सामने आपको पवित्र गुफा दिख रही होगी बाबा की। आपको हम यहीं से जूम करके दिखा देते हैं। जय हो बाबा। यह पवित्र गुफा है बाबा जी की। तो यहाँ से हम काफ़ी दूर हैं तो ये पैदल ट्रैक कर रहे हैं। तो मैंने फ्रेंड जैसे कि मैंने कहा था आपको 10 बजे हम बाबा के दर्शन कर लेंगे, पर दर्शन की तो बात नहीं पर पवित्र गुफा के दर्शन मुझे 8:30 बजे हो गई। मतलब 4.5 घंटे में मैंने बालताल वाला रूट पूरा कवर कर लिया और पवित्र गुफा के दर्शन भी हमने कर लिए जो बालताल से। ओ माय गॉड जो आए थे हम, कितना खतरनाक रास्ता है। ओहो जय बाबा जी। थोड़ी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है तो इसलिए। किसका? हाँ गिर गया था भाई, फिर दोबारा नीचे लेने गए थे। हाँ जय बाबा बर्फानी।
और यहाँ पर फ्लावर्स की अगर हम बात करें, फूल की बात करें, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, देखिए आप कितने सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर हैं। और ये आपको पूरी पहाड़ी पर आपको मिलेंगे, ये पूरी पहाड़ी पर। और ऐसे कुछ खतरनाक रास्ते हैं बहुत, कुलदीप को पता नहीं क्या होगा, जब से उसने पवित्र गुफा के दर्शन करे वो हमसे इतनी तेज़ी से चल रहा आगे, बहुत जय बाबा प्रफानी। और अगर हम यहाँ से अगर ट्रैक की अगर हम बात करें, यहाँ से जो ट्रैक की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की दूरी है, और आपका ये 2 किलोमीटर की जो दूरी है आपको जगह जगह पर झरना मिलेंगे आपको, ये देखो वाटरफॉल आपको मिलेगी जगह जगह पर। और ये रास्ता है आप देख सकते हो, एक तरफ गहरी खाई, यहाँ पर सावधानी बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर आप रास्ते देख सकते हैं कितने खतरनाक हैं। और वो सामने ग्लेशियर, यहाँ का खतरनाक ट्रैक, खतरनाक ट्रैक। ये आपको जो ग्लेशियर दिख रहा है इतना बड़ा सा, और इसी ग्लेशियर के अंदर से ये सुंदर नदी बह रही है, और ये इतना खतरनाक ट्रैक है भाई, जय बाबा बर्फानी। ये आप देखिए सचिन ब्लॉगर आ रहे हैं, मात्र 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई बची है, और ये अभी हुए भी नहीं है, सचिन ब्लॉगर अभी थके नहीं हैं, ये इतनी और चढ़ाई चढ़ सकते हैं अभी। ये बहुत फास्ट चल रहे हैं और हमें भी साथ लेके चल रहे हैं, और पवित्र गुफा वो आपको सामने दर्शन करवा दें, पवित्र गुफा के दर्शन। हाँ जी, ये जो 8 तारीख को जो मतलब बादल फटा था ना, उससे जो आई थी जो मलबा वगैरह था वो यहीं पर ग्लेशियर के ऊपर रुक चुका है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, और जो इतना बड़ा ग्लेशियर था वो भी पिघल चुका है यहाँ पर। और वो सामने पवित्र गुफा है बाबा की, आपको दर्शन करवा दें, तो वीडियो सामने यही गुफा है बाबा जी की, जय भोलेनाथ। एक बार कमेंट में जय बाबा बर्फानी जरूर लिख दें, बहुत लंबा ट्रैक करके पूरा आई है। जब मैंने ये ग्लेशियर देखा तो बड़ा डर लग रहा था पार करने में, तो हम लोग आराम से ऊपर से जब हम निकले तो कोई दिक्कत नहीं। और बाबा की जो पवित्र गुफा है उसके बारे में की खोज किसने की, और पूरी जो कहानी है बाबा अमरनाथ की, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि यह पार्ट ही काफ़ी बड़ा हो गया है। तो फ्रेंड आज इस ब्लॉग में हमने जो यात्रा स्टार्ट करी थी, मतलब बालताल से जो हमने यात्रा स्टार्ट करी थी, वो यात्रा हमने 4 बजे स्टार्ट करी थी, और पूरे मतलब 5 घंटे लग गए मुझे, 5 घंटे लग गए पवित्र गुफा की दर्शन होने के लिए। तो ये यहाँ का सीन था, और पूरा ट्रैक हमने आपको दिखाया है। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें, जैसे नेक्स्ट ईयर आप आने का प्लान कर सकें। तो आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर कर लें। और हमारे आज का ब्लॉग यही संगम टॉप पर ख़त्म करते हैं, और फिर
मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको बाबा के दर्शन और पवित्र गुफा की चारों तरफ का सीन दिखाएंगे और यहाँ के प्रसाद नहाने धोने का जो भी कार्यक्रम होगा वो हम आपको सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाबा के दर्शन करना आप बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब आपने इतना साथ हमारा दिया यहाँ तक तो आप बाबा के दर्शन करके आप जरूर जाएं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए गुड बाय, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा अमरनाथ।